नवरात्र के अवसर पर मंदिरों में हो रही भीड़ का फायदा उठाकर अज्ञात चोरों ने दुर्गे चंडी मंदिर में महिलाओं के गले से चैन पार कर ली, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी कैमरे में कैद हुआ है। नवरात्र के पावन अवसर पर इन दिनों मंदिरों में भीड़ बढ़ गई है। इसका फायदा उठाकर अज्ञात चोर हाथ साफ कर चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। इसी कड़ी में दुर्गे चंडी मंदिर में बीती रात मंदिर में लगी भीड़ और पूजा अर्चना के दौरान अज्ञात महिला चोरों ने महिलाओं के गले से चैन उतार हाथ साफ कर लिया। इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई गई है। गौरतलब है कि कोतवाली थाना अंतर्गत शनि मंदिर में पूजा के दौरान अज्ञात चोरों ने दो महिलाओं के गले से सोने की चेन को पार कर दिया। दोनों पीड़िता की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने अपराध दर्ज कर मामले को जांच में ले लिया है। इस मामले में कोतवाली थाना प्रभारी अमित अंदानी ने बताया कि मंदिर में भीड़ भाड़ का फायदा उठाते हुए अज्ञात आरोपियों ने महिलाओं के गले से चेन की चोरी कर ली है। इसको लेकर प्रार्थी राकेश गोयल ने शिकायत दर्ज कराई कि उसकी माता मंदिर में पूजा करने गई थी। इस दौरान किसी ने उसके गले से 3 तोले वजन की सोने की चैन पार कर दी। वहीं प्रार्थी प्रफुल्ल गुप्ता ने शिकायत दर्ज कराई कि उसकी माता के गले से अज्ञात आरोपी ने 1.5 तोला वजन की सोने की चैन की चोरी कर ली। इसके बाद दुर्ग पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पुलिस के मुताबिक फुटेज में एक महिला जिसने ब्राउन कलर की ओढ़नी एवं हल्के गुलाबी रंग का ड्रेस पहना हुआ था, वह भीड़ का फायदा उठाते हुए चैन दांत से काटकर निकालती नजर आ रही है। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।